अब हम आपको म्यूट करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, देखिए गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर आपने देखा ये है लेसन ए, चूहों म्याऊ सो रही है, ठीक है। और ये है शब्द अर्थ, जिन्हें हम एक साथ बोलते हैं तो क्या सुनाई देते हैं, शब्दार्थ। ओके, तो आप लोग भी पेन पेंसिल और नोटबुक निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ राइटिंग कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या लिखा रहा है, पसारे यानी कि फैलाए, पतीले यानी कि चौड़े मुंह का बर्तन या चौड़े मुंह की बटलोई, रसीले यानी कि रस से भरे। जब कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है तो उसे क्या हुआ, बड़ा रसीला था। तो रसीले का मतलब ये नहीं कि उसमें ढेर सारा पानी भरा उसमें है तब वो रसीला है, नहीं। और अगर हम दूसरी बात कहें तो स्वादिष्ट, रसीले मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट या रस से भरा, ठीक है। फिर आता है मटका। मटका क्या बताया था आपको, मिट्टी का बना हुआ बड़ा घड़ा। तो हमने यहाँ पे सीधे लिखा है बड़ा घड़ा, जिसको हम मटका कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके आगे लिखते हैं, इसके आगे है पाओ। पाओ कहाँ से बना है, पाना। जो कुछ पाओ यानी कि आपको जो कुछ मिले उसे खत्म कर दो, खा लो, है ना, खा करके खत्म करना है, ठीक है। ओके, तो हम लिखेंगे पाना। पाओ कहां से बना है, पाना, पाना मिलना। चट कर जाओ, चट करना में चट करना यानी कि खत्म कर देना, खत्म करना। कोई खाने का सामान है तो उसे चट करना यानी कि खा करके खत्म कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं कुत्रो। तो कुत्रो का क्या अर्थ है, काटना, कुतरना। अगर हम इसका मेन मीनिंग ले तो कुतरना मीन्स काटना। कुतरना ठीक है। अब हम के आगे बढ़ते हैं तबाही। क्या है, आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाहिए। तो तबाही मीन्स बर्बादी, किसी भी सामान की बर्बादी करना। तबाही बर्बादी, ओके। चूहा शाही, यानी चूहा शाही का मतलब है चूहों का राज,
भाषाई में होगा का राज। ठीक है, ये हो गए आपके शब्दार्थ यानी शब्द और उसका अर्थ। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में क्या है, पेज नंबर 64, इसमें क्या दिया हुआ है, 64 में दिया है पढ़ो। तो जो आपने कविता पढ़ी है उसी के अंश हैं और इसमें देखिए किस तरह से आपको पढ़ना है। फिर से दिया हुआ है पढ़ो, छत के नीचे, छत घर के पीछे, छत के नीचे, घर के पीछे, छत के नीचे, पाप सारे पूछ सवारे, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो। यानी कि इसमें हर पैराग्राफ से एक एक दो दो लाइन ली गई है ना। घर के पीछे यानी कि ये घर बना हुआ है, उसके पीछे क्या हो रहा था, बिल्ली जो है वो वहां पर सो रही थी, पांव पसार, कैसे सो रही थी, पांव पसार कर, क्या सवारी थी, क्या सवारी थी, अपनी पूंछ, भरे पतीले चने रसीले, पतीले में क्या था, रसीले चने, उल्टो मटका देकर झटका, क्या था, मटके को कैसे उलटना है, क्या करके उलटना है, झटका देकर, तो उल्टो मटका देकर झटका, मटके को कैसे उलटता है, झटका देकर, मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, चूहों ने क्या कहा, मूछ मरोड़ो, अपनी मूछ में ताव देकर शान से अपनी पूछ को सिकोड़ो और मजे करो, खाओ पियो मस्ती करो, नीचे उतरो चीजें कुतरो, अब ऊपर ही ना बैठे हो, नीचे भी आओ और अपनी जो चीजें हैं काटने वाली उनको काटो पीटो खूब मजे से, है ना। और यहाँ पे क्या है, चलो चूहा बनाएं, क्या है, चलो चूहा बनाएं। तो सबसे पहले चूल्हा बनाने के चूहा बनाने के लिए क्या है, हम क्या लिखेंगे, थ्री, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थ्री, इसके बाद क्या करना है, मूछ कान बनाओ। अब कह रहे हैं कि इस थ्री में मूछे बनाओ और चूहे के कान बनाओ। ये हो गया मूछ और ये हो गया कान, ये हो गई मूछे, है ना। अब आगे बढ़ते आंखें और पैर। अब कह रहे कि आंखें बनाओ और पैर बनाओ, तो इसमें क्या होगा, और ये हो गए पैर।
ये हो गया इसके पैर बन गए हैं, ओके। और यहां से और यहां पे इसकी ये हो गई इसकी पूंछ, ये आपका बन गया चूहा। ओके, अब इसके आगे आता है तुक, मिलाओ आगे बढ़ाओ। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, तुक मिलाओ और आगे बढ़ाओ। यहाँ एक आपको स्नेक दिखाई दे रहा है ना, स्नेक में कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें आपको मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, ठीक है। और ये पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग कुछ दिख रहा है ना, कितनी सुंदर पेंटिंग आपको दिख रही है। ये पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। बिहार में एक जगह है मधुबनी, जिसका नाम है मधुबनी। तो ये मधुबनी की प्रसिद्ध पेंटिंग है ना, बढ़िया कलरफुल बनती है। आप लोग भी इसको बना सकते हो, है ना, कोई भी डिजाइन बना करके। और इसी तरह की उसमें कलर ऐसे ही भरने होते जैसे कि इसमें भरे हुए, है ना, लाइन 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 लाइन, फिर उसके बीच में थोड़ा थोड़ा कलर है। तो एक स्नेक बना है, स्नेक में सबसे पहले क्या लिखा है? सोई। क्या लिखा बच्चों? सबसे पहले लिखा है मिलते जुलते शब्द, मिलते जुलते शब्द, है ना। तो इस स्नेक में लिखा है सबसे पहले सोई। तो सोई का मिलता जुलता शब्द क्या है? हाँ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, सोई खोई रोई, है ना, सारे मिलते जुलते शब्द है ना, सब सोई की तरह लग रहे हैं ना सुनने में। यहाँ पे जैसे लिखा है कोई, कोई के बाद लिखा है सोई, तो सोई का आप कोई भी लिख सकते हो और इसमें कोई भी लिख सकते हो, सोई कोई, कोई सोई, है ना, दोनों एक से वर्ड हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टेक में लिखा है वो लिखा है खोई, तो चलिए खोई लिख लेते हैं। आप कोई भी शब्द जब अलग से आते हैं तो उनमें हम कोई भी शब्द लिख देते हैं, वो सही होता है। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर लिखे हुए हैं, आगे जो हमें शब्द मिलेंगे वो इन्हीं पैराग्राफ से ही हमें इसके अर्थ मिलते जाएंगे, है ना। तो पहला क्या है? कोई लिखा है, तो पहला हम लिख लेते हैं खोई। अब इसके बाद में कौन सा शब्द लिखा है बच्चों? इसके बाद में लिखा है पतीले। कविता को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा कि
कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आ रहा था मिलता जुलता, और इन शब्दों को लिखने के लिए आपको पीछे कविता की तरफ जाना पड़ेगा और कविता में देखना पड़ेगा कि हमने पतीले कहाँ पर पढ़ा था, उसके नीचे इससे मिलता जुलता शब्द क्या आया था। और कविता में आप याद रखिए बच्चों कि कविता जब लिखते हैं तो उसमें मिलते जुलते शब्द पर ही फिनिश होता है अधिकतर, है ना। जैसे आपने यही इसी में देखा होगा, सुनने में हमें एक का सुनाई देता है, जैसे पीछे नीचे पसारे सवारे, सुनने में क्या है एक सा हमें सुनाई दे रहा है। कोई सोई, है ना, बिल्ली सोई खुली रसोई, सोई रसोई भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सोई से मिलता जुलता शब्द है, सोई रसोई। क्यों, पतीले, पतीले के बाद कौन सी लाइन है आपने देखा क्या लिखा है, उंगली कैसे चाटते हैं, बहुत रसीले। तो पतीले, पतीले के बाद कौन सा शब्द लिखा है, ये देखिए पतीले के नीचे क्या लिखा है, रसीले। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर पे क्या लिखेंगे, रसीले। नेक्स्ट क्या है, पतीले रसीले हो गया। अब आता है मटका, आप क्या लिख सकते हो, मटका। अब बताइए मटका और मटके के बाद क्या आएगा, कविता में देखा आपने मटका के बाद क्या लिखा है, झटका। तो क्या लिखेंगे, झ ट क, कामी आठी मात्रा, झटका, झटका। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पसारे, पसारे उसके नीचे की लाइन में क्या है, पढ़ के बताइए जरा, पसारे पैर पसारे, पांव पसारे क्या है, पांव पसारे पूछ सवारे। तो पसारे, पसारे के से मिलता जुलता क्या आया, सवारे। सवारे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, मरोड़ो। आगे क्या आएगा, मरोड़ो के बाद कौन सी लाइन थी, मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो। तो क्या आएगा, सिकोड़ो। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, आगे क्या आएगा, नेक्स्ट है उत्तरो। उत्तरो नेक्स्ट शब्द है, उत्तरो यानी कि उतरना। चूहे का सरदार चूहों से कह रहा है कि नीचे उतरो, उत्तरो नीचे उतरो। और क्या है आगे, चीजें कुतरो। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, कुतरो। क,
अंतर्गामी ओ की मात्रा कुत्रो कुत्रो ठीक है। तो आपकी बुक एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई है, अब हम कुछ आपको होमवर्क भी देंगे ठीक है। तो आप ठीक है खाली जगह भरिए है ना। तो इसमें हम देते हैं आपको बीच बीच से हम लाइन देंगे भरने के लिए, आपको कविता को देखना है और उससे इस शब्द को ढूंढ करके उससे लिखना है ठीक है। अब यहाँ पे आपको शब्द भरने हैं, तो पहला क्या है घर के पीछे छत के नीचे, इस तरह से आपको जगह दी जाएगी जिसमें आपको कविता से ढूंढ करके भरना है ओके। रसीले मटका को यहां भरना है, आपको ढूंढना और भरना है देखकर झटका है ना। ये हो गया, तो इसे आप लोग भर करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जिस लाइन को लिखना है आपको पूरा करना है। हेलो यस मैम हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है ओके। तो बच्चों आपको सुनना है, देखिए हमने आपको आज क्या क्या कराया है, शब्द आए हैं तो शब्दों को सुन लीजिए रसीले रस से भरे या स्वादिष्ट मटका बड़ा घड़ा आना मिलना खत्म करना काटना शाही बर्बादी चूहा शाही यानी कि चूहों का राज ओके। और सेकंड में हमने आपको क्या बताया था
चूहा बनाना, आप लोग भी अपनी बुक में जैसे जैसे चूहे का की आकृति बनी है वैसे आपको बनाते जाना है, ठीक है। और फिर आता है मिलते जुलते शब्द, ये आपकी बुक का पेज नंबर, पेज नंबर 65 का वर्क है, ठीक है, ये पेज नंबर 65 पेज नंबर 5, ओके, ये इसका वर्क है और ये आपका होमवर्क है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर हर करके लिखना है और उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा ताकि हमें पता चले कि आपने कौन सा शब्द भरा है। इस तरह से लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका आज का वर्क, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। हाँ जी बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी से। हो गया, हो गया, तो ठीक है बच्चों। हाँ जी हाँ, कर लिया, क्या किया है? ओके गुड, वेरी गुड, और आप लोग भी कर लीजिएगा सभी लोग, ओके। हाँ यस मैम, ओके बच्चों चलते हैं, बाय 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 बच्चों।